तो बात करेंगे पार्ट थ्री की। पार्ट थ्री ऑफ व्हाट? पार्ट थ्री ऑफ GS3 का टेस्ट नंबर टू है ये, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक की बात करेंगे पार्ट थ्री में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? एंश्योरिंग अ जस्ट ट्रांजिशन इज वन ऑफ द की कंसिडरेशन फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सेस द चैलेंजेस टू ट्रांजिशनिंग टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी सिस्टम। हमको पहली चीज बात करनी है अबाउट द चैलेंजेस एंड ऑल्सो सजेस्ट अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी, मतलब मेजर्स बताने हैं जिससे हम क्या कर पाएं, ये जो चैलेंजेस हैं उसको हम ओवरकम कर पाएं। ओके, फिर से पढ़ते हैं। एंश्योरिंग अ जस्ट ट्रांजिशन इज वन ऑफ द की कंसिडरेशन फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सेस द चैलेंजेस टू ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी सिस्टम ऑल्सो सजेस्ट अ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द रिसेंट कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू इंडियाज ट्रांजिशन टूवर्ड क्लीन एनर्जी, है ना। ये फिर कुछ डाटा देंगे यहाँ पे हम, है ना। उसके बाद बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी ब्रीफ में जस्ट ट्रांजिशन क्या है, ये जस्ट ट्रांजिशन का मतलब है क्या। उसके बाद दूसरी पहली बात करेंगे जस्ट ट्रांजिशन टूवर्ड क्लीन एनर्जी। उसके बाद सेकंड है चैलेंजेस दैट इज प्रेजेंट इन इंश्योरिंग जस्ट ट्रांजिशन। उसके बाद कुछ मेजर्स बताएंगे भाई जिससे हम उसको ओवरकम पाए। उसके बाद कंक्लूजन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने बताया उसको सम अप कर देंगे। ओके, तो बताएंगे इंडिया इज करेंटली द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विथ 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। तो इस प्रकार से एक डाटा के साथ हम इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडिया इज करेंटली द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विथ 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स। 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट दी इंडिया ना इंस्टॉल कैपेसिटी में हमारे पास सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। उसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस टू जस्ट ट्रांजिशन। ओके, पहले तो क्या करता है, डिस्टर्ब्स द एग्जिस्टिंग एनर्जी सेक्टर। कैसे? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है यार, जो लोग हैं उनको तो हटाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमको दूसरी सेक्टर की तरफ, मतलब दूसरी चीज़ों के ऊपर तरफ जाना है तो। डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग एनर्जी सेक्टर क्रिएटिंग चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू जॉब्स रिक्वायर्ड न्यू स्किल सेट्स। उसके लिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा।
एंड और क्या चैलेंजेस है भाई? डिस्प्लेसमेंट होगा, वल्नरेबल कम्युनिटी ड्यू लैंड एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज ड्यू टू लैंड एक्विजिशन एंड इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रिड अपग्रेड करना पड़ेगा एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक बैलेंस बनाने में बहुत दिक्कत है भाई बिटवीन दी एनर्जी एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी। बैलेंसिंग दी ट्रांजिशन वाइल श्योरिंग कि ऐसा ना हम ट्रांजिशन कर जाए और हमारे पास एनर्जी की कमी हो जाए। एनर्जी एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी, ये सब चैलेंजेस हो गए। उसके बाद क्या क्या हम कर सकते हैं टू मेजर्स फॉर द जस्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, मेजर्स फॉर जस्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। हम क्या कर सकते हैं भाई? हम पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन कर सकते हैं, एनकरेज करेंगे उसको, प्रोवाइड इंसेंटिव्स, है ना, प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, एनकरेज रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन, प्रोवाइड, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया, ओके, प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई? जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज, ओके। हम क्या करेंगे भाई? रोबस्ट प्लानिंग, है ना, वी कैन स्ट्रेंथन दी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज थ्रू रोबस्ट प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। हम इनोवेशन प्रमोट कर सकते हैं, रिसर्च प्रमोट कर सकते हैं, सो प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, जी स्टोरेज
सॉल्यूशंस, ओके, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दैट इज बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में क्या है भाई, एक्सपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्निकल इनोवेशन है, एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और क्या कर सकते हैं भाई, पब्लिक अवेयरनेस कर जनरेट करेंगे, है ना, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। और स्किल डेवलपमेंट, जो कि स्किल की कमी की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, उसको हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल डेवलपमेंट्स दैट इज लीड्स टू जॉब क्रिएशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो जस्ट ट्रांजिशन जब होगा, मतलब जो जस्ट ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़रूरी क्या है भाई, है ना, हमारे पास कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन बिटवीन व्हाट, कोलैबोरेशन बिटवीन कंपनीज, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टर्स, एनजीओस, है ना, इंपैक्टेड कम्युनिटीज़ के बीच में। गवर्नमेंट्स एक तरह से 15 मार्क में एक फ्लो चार्ट तो होना ही चाहिए भाई। एनजीओस एंड पार्टनरशिप्स, इम्पैक्टेड वर्कफोर्स एंड यूनियन, इनके बीच में क्या जरूरत है भाई, कोलैबोरेशंस की ज़रूरत है, इम्पैक्टेड कम्युनिटीज, ना कंज्यूमर्स एंड पब्लिक ओपिनियन, डब्बा बना के नीचे फिगर में ये लिखेंगे जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जस्ट ट्रांजिशन टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी सिस्टम रिक्वायर्स एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड इंश्योरिंग इंक्लूसिविटी एफ affordability accessibility and adopting a holistic approach।
ओके इस प्रकार से हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिख लिया है। एंश्योरिंग अ जस्ट ट्रांजिशन इज वन ऑफ द की कंसिडरेशन फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट। हमको क्या चाहिए भाई? क्लीन जस्ट ट्रांजिशन चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सेस द चैलेंजेस इन ट्रांसफॉर्मिंग टूवर्ड अ क्लीन एनर्जी सिस्टम। चैलेंजेस की बात की हमने, चैलेंजेस में हमने बताया कि देखो भाई हमारे पास अगर, क्योंकि जो नया एनर्जी सेक्टर आएगा उसमें हमारे पास उतना स्किल्स नहीं है लोगों के पास, तो वहाँ जो पहले भी प्रेजेंट है उनका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, जो कम वल्नरेबल कम्युनिटीज उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड एंश्योरिंग एनर्जी एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी इज ऑल्सो चैलेंज। फिर हमने मेजर्स बताया कि हमको क्या करना चाहिए भाई, हमको इनोवेशन एंड रिसर्च पे फोकस करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे फोकस करना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन पे फोकस करना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन करना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अपोजिट इज व्हाट? सॉल्यूशंस। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से बनाना है, जो इंस्टीट्यूशन कैपेसिटीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है। एंड लास्ट में हमने कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग दैट हम क्या करना है, एंश्योर करना है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इंक्लूसिविटी एंड होलिस्टिक अप्रोच हमको अपलोड इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम एक जस्ट एंड क्लीन ट्रांजिशन आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इज द नीड ऑफ द आर टू अचीव होलिस्टिक सॉल्यूशन टू कर्ब द मीनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। In this regard, identify the role of various stakeholder, in countering different causes of groundwater pollution, and also highlight some of the government initiatives to tackle the issue of the groundwater contamination in India. Okay, so फिर से एक बार पढ़ते हैं, the multi-pronged approach is the need of the hour to achieve a holistic solution to curb the menace of groundwater contamination. In this regard, identify the role of various stakeholders in countering the different cause of groundwater pollution. Also highlight some groundwater initiative to tackle the issue of groundwater contamination in India. तो यहाँ हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच में सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, बॉडी में हमको बात करना है किसके बारे में? बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, सेकेंड है रोल प्लेड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स, लाइक सिविल सोसाइटी, एनजीओ, इंडस्ट्रीज। ओके इसके बाद तीसरा हमको बताना है गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स, इसके बाद हमको कुछ मेजर्स बताने हैं जिससे हम क्या कर पाए, जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर पाए। So measures to counter groundwater contamination. इसके बाद conclusion में sum up करेंगे भाई। Okay. So start करते हैं भाई, as per the State of the groundwater report released by the Central Groundwater Board, 12 states have uranium level beyond permissible limit in the groundwater. मतलब ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा हमारा groundwater contaminated है. So as per the State of groundwater report, which is released by the Central Ground Water
बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड 12 स्टेट्स हैव यूरेनियम लेवल्स बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट इन देयर ग्राउंड वाटर। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द कॉसेस ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम बताएंगे कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। कॉजेस ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का कारण क्या है भाई? अनट्रीटेड वेस्ट, एग्रीकल्चर, एक्सप्लोटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लैंडफिल्स, माइनिंग एंड कोरिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग और अनट्रीटेड वेस्ट और क्लाइमेट चेंज और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट या फिर एग्रीकल्चर भी है एक तरह से, ये सब कारण हुआ है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन के। ओके, नाउ हम बात करेंगे अबाउट द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन काउंटरिंग द कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स है ना। वाटर यूजर्स एसोसिएशन जो है, वाटर यूजर एसोसिएशन, वाटर यूजर एसोसिएशन जो वाटर यूजर एसोसिएशन है WUAs, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वाटर यूजर्स, डिस्ट्रीब्यूट ग्राउंड वाटर एज वेल एज देयर मेंबर फॉर इरीगेशन। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंट रोल इन ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। जो विलेज वाटर सप्लाई काउंसिल है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है भाई, विलेज वाटर सप्लाई काउंसिल्स, विलेज वाटर सप्लाई काउंसिल्स है ना, बिकॉज ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हैं, सो इनका इम्पोर्टेंट रोल है इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोटेक्शन। की रोल इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोटेक्शन। एनजीओस का भी इम्पोर्टेंट रोल है और कौन है भाई, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है
नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं भाई, है ना, ये प्रमोट करते हैं स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, हेल्प इन प्रमोटिंग स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन एंड ग्राउंड वाटर इतना लिखते हैं, प्रमोटिंग स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। उसके बाद जो एक्वीफर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है, बिकॉज ये एक्वीफर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करते हैं, एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन सम फॉर्म और अनदर इज एसेंशियल, बिकॉज जो स्टेक होल्डर होते हैं दे अपस्केल दी गुड प्रैक्टिस एंड यूनिलैटरल डिसीजन बाई रेगुलेटरी एजेंसी विदाउट सोशल कंसेंसस आर ऑफन इम्पॉसिबल। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक हम मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे जरूरी होता है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। ओके, इनिशिएटिव्स की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने लिया है, तो हमने बात कर ली अबाउट दी कर्स की बात कर ली, रोल प्लेड बाय दी इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट की बात करते हैं। ओके, इनिशिएटिव्स ऑफ दी गवर्नमेंट, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 में आया था, नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2012 में आया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना जो अटल भूजल योजना था, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट यह करता है, ये पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट करता है, अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना एंड दी नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट दैट इज NAQUIM। ओके, क्या करते हैं, दे प्रमोट द पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। और क्या है भाई, जल जीवन मिशन है विच इज फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। जल जीवन मिशन टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। सो ये सब इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ हम बात करते हैं कि क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे हम ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रोक सकें। सो दी मेजर्स टू डील विथ ग्राउंड वाटर मेजर टू डील विथ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन,
हमको क्या करना है भाई, इफेक्टिव पॉलिसीज नीड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे पास अपडेट करने की ज़रूरत है भाई, जो करंट स्टेटस अब है ना वाटर कंटामिनेशन हमको देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से हमको लॉ को अपडेट करने की ज़रूरत है। इफेक्टिव पॉलिसी इज नीडेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाइक बायो रिमेडिएशन की ज़रूरत है, तभी हम कार्बन पॉल्यूशन को डील कर पाएंगे। सो इनोवेटिव एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लाइक बायो रिमीडिएशन। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है, और क्या करने की ज़रूरत है भाई, हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है, एंड जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है, जुडिशियस यूज़ करना है भाई। सो एकोमोडेट एकोमोडेट ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रेटजीज एंड दी जुडिशियस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, और क्या करने की ज़रूरत है भाई, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड का जो हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं, उसको हमारे पास कम करने की ज़रूरत है। सो रिड्यूस यूजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। और क्या करना है भाई, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रहने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है भाई, दी एनजीओस। कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एंड लास्ट में इंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट इट इज़ अ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ एंड टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। इट इज हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इन आवर डेली लाइफ्स एंड टेक स्टेप्स टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे हमको बात करनी थी किसके बारे में, ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन के बारे में। फिर से पढ़ते हैं, अ मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच इज द नीड ऑफ द आवर टू अचीव अ होलिस्टिक सॉल्यूशन टू कर्व द मीनेंस ऑफ ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। इन दिस रिगार्ड आइडेंटिफाई द रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इन काउंटरिंग डिफरेंट कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ऑल्सो हाईलाइट सम गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू टैकल द इशू ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एंड हम कैसे कर सकते हैं ये बताना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैव अ की रोल टू प्ले इन पुटिंग इन प्लेस एन इफेक्टिव एंड कोहेरेंट पॉलिसी मिक्स टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 क्या है, लाइफ बिलो वाटर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ मराइन रीजन्स। Examine how the government can use other effective area-based conservation measure to achieve the goal.
फिर से पढ़ते हैं भाई। द गवर्नमेंट हैज अ की रोल टू प्ले इन पुटिंग इन प्लेस एन इफेक्टिव एंड कोहरेंट पॉलिसी मिक्स टू इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेप्स टेकन बाय इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ इट्स मराइन रीजन एग्जामिन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स टू अचीव दिस गोल। तो यहाँ पे हमारे पास अप्रोच क्या होगा, अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे भाई, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय गिविंग अबाउट दी गिविंग बैकग्राउंड अबाउट दी एस डी जी 14 है क्या, एस डी जी 14 है क्या, दैट इज लाइफ बिलो वाटर रिलेटेड टू लाइफ बिलो वाटर एंड डील्स विद द सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ मैराइन रीजन। ये है लाइफ बिलो वाटर प्लस सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ मैराइन रीजन्स। उसके बाद बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे, बॉडी में बात करेंगे अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, पहले तो बात करेंगे अबाउट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, उसके बाद दूसरे में हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ OECM दैट इज अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। इसका डेफिनेशन क्या है भाई, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। उसके बाद इसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे है ना, यूज कैसे कर सकते हैं, हमसे ये तो कुछ ने पूछा है यूज ऑफ OECM। चौथा हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस जो कि हैं अभी इसके अंदर, एंड उसके बाद कंक्लूजन में सम अप कर देंगे जो हमने ऊपर में बताया है। ओके यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट SDG 14 इज अबाउट लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर एंड प्रमोट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियंस सीज एंड मैराइन रिसोर्स, ओशियंस सीज एंड मैराइन रिसोर्सेस। ओके नाउ ये तो गया इंट्रोडक्शन, नाउ बॉडी में बात करेंगे अबाउट दी, हमने देखा ना बॉडी में बात करेंगे पहले तो स्टेप्स टेकन बाय दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं भाई, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसको डब्बे के अंदर बताते हैं। पहले तो वाइल्ड लाइफ नहीं, इसको सिंपल सा पॉइंट वाइज बताते हैं यार, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया था भाई, दी वाइल्ड लाइफ, दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू मैनी मैराइन एनिमल्स। और क्या स्टेप्स हैं भाई, जो नेशनल कमिटी ऑन मैनग्रोव्स वेटलैंड एंड कोस्टल रीफ बनाया गया था जिससे मराइन स्पीसीज को हम क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए, द नेशनल कमिटी ऑन
मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। वेटलैंड्स, कोरल रीफ्स, ये क्यों बनाया गया था? एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन रिलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रिगार्डिंग मैराइन स्पीसीज। ओके, और क्या है भाई हमारे पास? जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है, इट प्रोहिबिट द एक्टिविटीज एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम, जिससे क्या होता है हमारे पास जो मैराइन रिसोर्स है वो बच जाएगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो गया। यहाँ पे बात करते हैं अबाउट प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY, फॉर सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है जो कि प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देखता है। सो द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सब हमारे पास मेजर्स हो गए। हमको अब बात करनी है कि अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर होता क्या है, है ना? तो स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं वो सब हो गए। हमको बात करनी है अबाउट दी अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स जो OECM है, उसका एम क्या है भाई? इसका एम है कि अचीव करे लॉन्ग टर्म एंड इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉन्ग टर्म एंड इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ओके, एंड ये ज़्यादा फ्लेक्सीबल है भाई, एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द कम्युनिटीज कोऑपरेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन एफर्ट। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिटीज corporations and other stakeholders to participate in conservation ok
तो हो गया, हमने बात की OECM के बारे में। नाउ यूज़ कैसे करते हैं भाई OECM का, इसको एक फ्लो चार्ट के साथ हम बताएंगे। यूज़ ऑफ OECM, OECM टू कंजर्व OECM टू कंजर्व मराइन एरियाज, दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं, है ना। OECM साइट बेस्ड ऑन गवर्नेंस टाइप, कैटेगराइजिंग OECM साइट्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंट टाइप एंड कैटेगराइजिंग OECM बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, कैटेगराइजिंग बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स, ओके। नाउ इसके बाद हम उसको आगे बढ़ाते हैं, जो गवर्नेंस टाइप के बेसिस में जो हमने क्लासिफाई किया वो हो सकते हैं एज गवर्नमेंट, एज कम्युनिटी, इंडिजिनस पीपल, वो हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, और जो क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव वो कैसे हो सकते हैं एज एंसिलरी, है ना, वे बायोडाइवर्सिटी आउटकम एज बाय प्रोडक्ट, दैट इज biodiversity outcome as byproduct, ancillary and secondary हो सकता है, जहाँ पे इट इज द आउटकम ऑफ सेकेंडरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, है ना, और प्राइमरी हो सकता है, दैट इज द आउटकम ऑफ द प्राइमरी मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये सब हमारे पास यूज बताया किससे हमने, ये क्या बताया हमने भाई, यूज बताया, यूज ऑफ OECM टू कंजर्व मैराइन रीजन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द चैलेंजेस जो कि इसके अंदर हैं। चैलेंजेस क्या है भाई, कोई भी सेपरेट स्टेटरी बैकिंग नहीं है, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नो सेपरेट लीगल और स्टैट्यूटरी बैकिंग लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नो फाइनेंशियल मैकेनिज्म लाइक ग्रीन क्लाइमेट फंड, नो फाइनेंशियल mechanism like green climate fund, life underwater के लिए चीज़ें बहुत कम है भाई, and boundaries of marine system are not precisely known, boundaries of marine
इकोसिस्टम्स आर नॉट प्रिसाइसली नोन। लो अवेयरनेस भाई, ये हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद चैलेंजेस हो गए। नाउ कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट इन ऑर्डर टू कंजर्व 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशियन बाय 2030 गोल, नेशन सच एज इंडिया आर एक्सप्लोरिंग OECM। हम कर रहे हैं भाई, हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशियन को बचाएंगे। सो उसके रेफरेंस से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं OECM के अंदर। सो इन ऑर्डर टू कंजर्व 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशियन बाय 2030, इसको बोलते हैं 30-30 गोल, ठीक है। ओके, नेशन सच एज इंडिया आर एक्स Exploring the OECM, ओके okay. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कीपिंग इन द व्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन ब्रॉडर एरियाज ऑफ इंडिया एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। हमको बात करनी है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। ऑल्सो मैंशन सब डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी इन बॉर्डर एरियाज। हमको बताना है, मेजर्स लेने हैं जिससे हम जो ड्रोन एक्टिविटी होता है उसको कम कर पाएँ, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी ऑल्सो मैंशन सम डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी इन द बॉर्डर एरियाज। तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द पॉजिटिव इंस्टेंस ऑफ ड्रोन व्हिच हैज बीन यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज इन बॉर्डर्स। मतलब इंस्टेंसेस, नॉट पॉजिटिव, इंस्टेंसेस बताएंगे जिसमें ड्रोन्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इंस्टेंसेस ऑफ ड्रोन व्हिच have been used for illegal activities in border areas। उसके बाद बॉडी में किसके बारे में बात करेंगे, बॉडी में बात करेंगे अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी के बाद हम कुछ ऐसे डिफेंसिव मेजर्स बताएंगे जिससे जो होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी है उसको हम कर्ब कर पाए। डिफेंसिव मेजर्स टू टैकल ड्रोन एक्टिविटीज। इसके बाद कंक्लूजन में क्या करेंगे भाई, सम अप करेंगे। ओके, सो इंस्टेंसेस की बात करें तो मोर देन 150 एक्टिविटीज वेयर ड्रोन वेयर यूज्ड फॉर एयर ड्रॉपिंग ड्रग्स आर्म्स एंड एम्यूनेशंस वेयर नोटिस इन 2013 अलोन एट सेवरल पॉइंट अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर इन पंजाब। मोर देन 150 activities were okay, 150 drone activities used for air dropping drugs arms and ammunition
noticed in 2023 alone on Indo-Pakistan border. Okay, along the Indo-Pak border in Punjab, ड्रग्स एमिनेशन आम, ये सब मैंने इंस्टेंस में बताया, इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरा है भाई, ड्रोन गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी की, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी में क्या है, इट एनहांस द सर्वेलेंस, है ना, एंड क्विकर रिस्पॉन्स लाता है भाई, इट एनहांस्ड सर्विलियंस इवन इन दी बैड कंडीशन और बैड इन्वायरमेंट, ओके, है ना। कैसे इन्हांस करते हैं सर्विलियंस को, थ्रू मॉनिटरिंग एरियाज दैट आर अदरवाइज डिफिकल्ट टू कवर, ओके, ऑलोज क्विक रिस्पॉन्स टू एड्रेस अनऑथराइज बॉर्डर क्रॉसिंग इनफिल्ट्रेशन, थ्रू मॉनिटरिंग एरियाज अदरवाइज डिफिकल्ट टू कवर, ओके। और क्या करता है भाई, इट इम्प्रूव्ड द बॉर्डर पेट्रोलिंग, इम्प्रूव्ड बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड इट इम्प्रूव द बॉर्डर पेट्रोलिंग एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ह्यूमन पर्सनल, मिनिमाइज द रिस्क टू ह्यूमन पर्सनल। और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है भाई, इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे भाई, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन एंड मोर, इंटेलिजेंस गैदरिंग थ्रू थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन एक्सेट्रा। ये तो क्या पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं भाई, स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नारकोटिक सब्सटेंस की, है ना, करेंसी की स्मगलिंग के लिए, आर्म एमिनेशन के लिए, है ना, एयर स्पेस इंट्रूशन के लिए बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है ना, स्कोप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्सपांड करता है, एंड चेंजेस द डायनेमिक्स ऑफ वॉर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम सिंपल से लिखेंगे यहाँ पे। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का लोग अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको गलत चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एज कम्पेयर टू अच्छी चीज़ें, ओके। सो ये दुनिया का ही नियम है भाई, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस, काउंटर फिएट इंडियन करेंसी, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, स्पेशली इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ पंजाब, जे एंड के एंड राजस्थान, और क्या भाई, एयर स्पेस इंट्रूशन इन रेस्ट्रिक्टेड
एयर स्पेस जहाँ पे अलाउड नहीं वहाँ पे ही चले जाते हैं। एंड इट एक्सपांड एक्सपांड द स्कोप ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, एक्सपांड द स्कोप ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, है ना। अगर हम बात करें एग्जांपल की तौर पर, सऊदी अरेबिया में अरामको ऑयल प्लांट फैसिलिटी को अटैक किया गया था, जम्मू एयरफोर्स बेस अटैक जो किया गया था, ये सब किसका एग्जांपल है भाई? ये सब ड्रोन से हुआ था। जम्मू एयरफोर्स बेस अटैक इन 2021, ओके। एंड ये चीज़ें भी जो है ना, यहाँ पे हम एक मैप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ड्रोन एक्टिविटी हो रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में, तो एक ऐसे मैप बनाएंगे साइड में, ओके। यहाँ बताएंगे कैसे इस रीजन में क्या हो रहा है। हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडो पाक रीजन में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही है भाई ड्रोन से, ओके। फिगर में लिखेंगे ड्रोन एक्टिविटीज ऑन इंडो पाक बॉर्डर, ओके। सो यहाँ पे हम लिख रहे थे अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट, तो नेगेटिव इम्पैक्ट में यहाँ पे बात कर रहा था अबाउट दी चेंज, ये ड्रोन जो है वो क्या कर देते हैं, इट चेंज दी डायनामिक्स ऑफ वॉर, कैसे भाई? लोग जैसे चाइना से प्रोक्योर किया पाकिस्तान ने CH, पाकिस्तान रिसेंटली प्रोक्योर्ड CH-4B ड्रोन्स फ्रॉम चाइना, तो वो लड़ाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा सोच रहा है, तो डायनामिक्स को चेंज करते हैं। एंड नाउ हम बात कर सकते हैं वो डिफेंसिव मेजर्स जो हमको लेने चाहिए जिससे हम ड्रोन अटैक को अच्छे से बच पाएँ। सो डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट, डिफेंसिव मेजर्स में क्या क्या है? डिफेंसिव मेजर्स में यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमको BSF has utilized detection system that is radar, cameras and sensors and jamming system that disrupt the communication between drone and its operator. ना हमारे पास काउंटर ड्रोन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम डिफेंसिव मेजर में हम बात करेंगे अबाउट दी काउंटर ड्रोन सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे BSF has utilized detection systems, इसमें क्या क्या आ रहा है, रेडार, कैमरास एंड जैमिंग सिस्टम के। और क्या है भाई, BSF has developed physical interception method which as using trained personnel and nets to capture drones. Border security force ने क्या डेवलप किया है, इट इज डेवलपिंग ऑफ फिजिकल, मतलब पकड़ लेंगे उसको उड़ते हुए को, फिजिकल इंटरसेप्शन मेथड्स,
सच एज ट्रेन पर्सनल जो कि जाकर उसी को पकड़ लें एंड नेट्स टू कैप्चर ड्रोन्स। और क्या है भाई, डे एंड नाइट कैमराज विथ लेजर रेंजिंग टू डिटेक्ट एंड ट्रैफिक एंड ट्रैकिंग ऑफ ड्रोन टारगेट्स। डे एंड नाइट कैमराज विथ लेजर रेंजिंग फॉर डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ अ ड्रोन टारगेट। मैं GPS जैमिंग या फिर स्नूफिंग सिस्टम तो बनाए ही है, लेजर डेट एनर्जी वेपन सिस्टम बनाया है भाई जिससे उसको गिरा दें, उड़ा के उड़ते हुए चीज़ों को गिरा दें। सो लेज़र डिटेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है बेस्ड ऑन काउंटर ड्रोन डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन टेक्नोलॉजीज। ओके, हम जिसे BSF में न्यू ट्रेनिंग सेंटर अंडर दी वेस्टर्न कमांड फॉर पर्सनल टू हैंडल ड्रोन एक्टिविटी, है ना, भूमि चैलेंज बनाया गया है। भूमि चैलेंज फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स वॉज हेल्ड बाई BSF इन्वॉल्विंग स्टार्टअप्स। यहाँ पे एक बहुत एडॉन है भाई, भूमि चैलेंज फॉर डेवलपिंग इनोवेटिव बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स वॉज हेल्प बाय दी BSF वॉल्विंग स्टार्टअप्स। लास्ट में कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट एज ड्रोन टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल द थ्रेट इज ओनली सेट टू हाइटन। सो इंडिया मस्ट एग्जामिन द पॉलिसी रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग अदर लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू रिस्पॉन्स टू दिस मिनेंस। दस एस drone technology is becoming more affordable and accessible, India must examine the threats and policy response involving like-minded partners in response to this menace. Response to this menace. Okay. So this is question number 14 जहाँ पे हमने देखा question क्या है भाई, keeping in view the security challenge and their management in border areas of India, analyze the impact of drone technology, also mention some defensive measures against hostile drone activities in the border areas. Next question है, question number 15 है, what are the key underlying causes and systemic implications of the persistent and dynamic pattern of illegal immigration in northeastern region? Illegal immigration की बात करनी है in the northeastern region of India. Also discuss the measures needed to address the negative implication of illegal migration. इसका कारण क्या है उसके बारे में बताना है, दूसरा क्या क्या कर सकते हैं हम इसको दूर करने के लिए। What are the key underlying causes and systemic implication? Causes, implication of persistent and dynamic pattern of illegal immigration in the northeastern regions of India.
also discuss the measures needed to address the negative implications of illegal migration. हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाई मैंसनिंग अबाउट हाउ इलीगल माइग्रेशन हैज़ बीन इन रिकरेंट थीम ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. इलीगल माइग्रेशन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन. बॉडी के अंदर हमको क्या बताना है, बॉडी के अंदर हम पहले तो बताएंगे अबाउट द डायनेमिक पैटर्न एंड परसिस्टेंट इलीगल माइग्रेशन. डायनेमिक पैटर्न एंड इलीगल इमिग्रेशन. दूसरा हम उसके बारे में कर्ज की बात करेंगे. उसके बाद तीसरा हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे, कर्ज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ इलीगल माइग्रेशन. एंड चौथा हम मेजर्स बताएंगे टू एड्रेस इलीगल माइग्रेशन. उसके बाद कंक्लूजन में सम अप कर देंगे. ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज हैज़ बी अ रिकरिंग थीम इन इंडियाज मल्टी एथनिक नॉर्थ ईस्ट रीजन. इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज हैज बीन अ रिकरिंग थीम इन इंडियाज मल्टी एथनिक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. हम बात करेंगे परसिस्टेंस एंड डायनेमिक पैटर्न ऑफ इलीगल माइग्रेशन. परसिस्टेंट एंड डायनामिक पैटर्न. परसिस्टेंट एंड डायनामिक पैटर्न भाई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हैं यार, जिसके वजह से इलीगल माइग्रेशंस हो रहे हैं, है ना. एग्जांपल के तौर पर हम बात करें तो माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश डिमांड फॉर चीप लेबर इन टी ऑयल एंड कोल इंडस्ट्रीज इन असम. माइग्रेशन From Bangladesh due to demand for cheap labor in tea, oil and coal industries in Assam. Illegal migration is intertwined with internal politics. In neighboring countries. Example की बात करें तो कि वहाँ पे रोहिंग्यास मुस्लिम्स का जैसे कि म्यांमार में क्या हो रहा है, इमेंसिपेशन हो रहा है, वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है. सो माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार. एंड एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटिक फैक्टर भी हैं, जैसे डिजास्टर नाउ कॉज ऑफ इलीगल माइग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. कॉज क्या है भाई, प्रॉक्सिमिटी टू द नेबरिंग कंट्रीज. प्रॉक्सिमिटी टू
कॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. ओके, प्रॉक्सिमिटी टू नेबरिंग कंट्रीज. नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही क्यों भाई बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, एंड नेपाल. इसके साथ साथ पोरस बॉर्डर भी है भाई, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर उतनी सिक्योरिटी नहीं है. ये कारण है इलीगल माइग्रेशन का. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में वो आ रहे हैं, है ना. बिटवीन इंडिया एंड पर्टिकुलरली बांग्लादेश पे सिग्निफिकेंट रूल, बिकॉज पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है. नॉर्थ ईस्ट रीजन से इथनिक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइज जिसकी वजह से यहाँ पे इमिग्रेशन ज़्यादा होता है. The North East region share ethnic, linguistic and cultural ties with neighboring countries leading to increasing immigration. मतलब आते हैं यहाँ पे. ओके, फिर सब कारण हो गया ना. उसके implications क्या क्या हैं भाई? एक और कारण लिखे तो यहाँ पे political instability and persecution भी है, जो कि हमने देखा था उस ऊपर में रोहिंग्यास वाला, ठीक है. तो इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होता है जब दूसरी जगह से लोग आ जा रहे हैं? तो इसके इम्प्लीकेशन वहाँ के लोगों को बहुत भुगतना पड़ेगा भाई. इम्प्लीकेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंज इन सोशल इम्पैक्ट, डेमोग्राफिक चेंज एंड सोशल इम्पैक्ट. कैसे भाई, है ना. है ना, एग्जाम्पल बात करें तो वायलेंट कैशेस जो मणिपुर में हो रहे हैं ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ चीन रिफ्यूजीज विद द कुकीज, विच हैज कॉज रिसेंटमेंट अमॉन्ग द मेथीज एंड द नागास. द रिसेंट वायलेंट clashes in Manipur are partly due to assimilation of the Chin refugees with the Kukis. जो चीन रेफ्यूजीज का आ गए भाई कुकीज के साथ, ना, जिससे जो मेथीज एंड नागास के बीच में क्या हुआ, झगड़ा हुआ. विच हैज कॉज रिसेंटमेंट अमॉन्ग द, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भाई, ये नहीं दिए तो कुछ नहीं दिया. ये एग्जांपल नहीं लिखा है तो आपका एग्जाम आंसर अधूरा रहेगा. डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है यार, सिक्योरिटी कंसर्न. जैसे कि ULFA इज यूजिंग बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इन दिस सबवर्सिव एक्टिविटी इन असम, रेडिकलाइजेशन हो रहा है.
ULFA is using Bangladeshi immigrants in its subversive activities in Assam. Okay, political polarization हो रहा है यार, तो लिखेंगे political polarization and law and order problems. बट हम लोग आगे मेजर्स लेने चाहिए टू एड्रेस दी प्रॉब्लम्स. मेजर्स नीडेड, हमको बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छे से करना है यार. ओके, स्पेशली दी बॉर्डर पोस्ट, तो क्या करना है, स्टेबलाइज करना है बॉर्डर पोस्ट, इंस्टॉलिंग स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम, स्टेबलाइजिंग बॉर्डर पोस्ट एंड इंस्टॉलिंग स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम्स. वो कोऑपरेट करना है विद नेबरिंग कंट्रीज, कोऑपरेशन विथ नेबरिंग कंट्रीज ना, जैसे कि बायलेटरल अरेंजमेंट करना है बिटवीन दी नेबरिंग कंट्रीज. और क्या करना है भाई, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन इज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड टू आइडेंटिफाई द इलीगल माइग्रेंट्स. दी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, देश के कौन सिटीजन है कि नहीं ये पता करने के लिए हमको रजिस्टर NRC को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू आइडेंटिफाई दी illegal immigrants. हमको करना है भाई रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाने हैं, है ना. हमको सैनिटाइज करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को. ओके, रेफ्यूजी रिहेबिलिटेशन policy and sanitize the local administration. Okay, conclude करेंगे by mentioning that since deporting illegal immigrants to neighboring countries is a complex process, India must focus on strategies to control immigration in future. बार बार उसको भेजना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हमको आने ही नहीं देना है. सो डिपोर्टिंग इलीगल इमिग्रेंट्स टू नेबरिंग कंट्रीज इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस India must focus on strategies to control immigration in the future. Okay, so this is all about the question. Question number 15 क्या था भाई, question number 15 था what are the key underlying causes and systemic implications of persistent and dynamic pattern of illegal immigration in northeast region of India. Also discuss measures needed to address the negative implication of illegal migration. तो ये part 4 था, part 3 जहाँ पे हमने 11 से लेके 15 तक questions देखे.